अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 21, 22 और 23 का तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जुबान के बारे में तीन चीजें अहम होती हैं। एक तो उसकी ग्रामर, और दूसरी उसकी वोकैबुलरी, और तीसरी ये है कि जब दो अहले जुबान बात कर रहे हों तो अगर हम उसको समझ लें तो इसका मतलब है कि हमें वो जुबान आती है। कुरान करीम की जहाँ तक मिसाल है, उसका ताल्लुक है, तो उसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ग्रामर, और वो भी बहुत बेसिक, और उसके अलावा जो वोकैबुलरी है, जो ज़खीरा अल्फाज है, वो आता हो तो कुरान करीम समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आज जो हम आयतें पढ़ेंगे तीन, उसमें 21 नंबर की आयत है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यकादुल बर्को यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अदा अलहुम मशौफी वजा अज़लमा अलैहिम कामु वलाव शा अल्लाहु लज़हबा बिसमिहिम व अबसारहिम इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। अब इसका लफज बलफज तर्जमा जो है, यकादो, यकादो का जो मादा है वह देख रहे हैं काफ वाव दाल, और इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो करीब हो होने के, या जो करने वाला है, जो फाइल है, वो करीब है कि वो कर ले। अक्सर औकात वो नहीं करता, यानी वो बहुत इम्कान होता है कि वो कर दे, लेकिन होता नहीं है। कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि जब यकादो का लफ्ज आए तो उसका मतलब होता है कि करीब था कि वो हो जाए, बस करने ही वाला था लेकिन उसने किया नहीं। तो ये कादा जो है उसका मतलब है, जिसका मादा है काफ वाव दाल। तो यकादुल बर्को, करीब था कि वो बिजली जो है, बिजली हमारे यहाँ उर्दू में मुअन्नस है लेकिन यहाँ भी मुजक्कर है, यकादुल बर्को करीब था कि वो जो बिजली है, यख्तफो, यख्तफो का जो मादा है वो खे तोए फे खाताफा, उचक लेना, यानी किसी चीज को, जैसे परिंदा होता है ना, चोंच मार के किसी चीज को उचक लेता है, या अकाब जो है वो जब जमीन पे आता है तो कोई परिंदा या समंदर में से मछली अपने पंजों में उचक लेता है, उसको ऐसे एकदम से तेजी के साथ उठा लेना, उसको कहते हैं उचकना। तो करीब था कि जो बिजली है वो बिजली वो उचक लेती, या जैसे मैंने कहा कि बर्क मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है अरबी में, अबसारा हुम, अबसारा, अबसार बसर की जमा है, यानी बिनाई, हुम उनकी, यानी उनकी बिनाई उचक लेती, वो जो जो आपने देखा जब बिजली कौनती है तो एकदम से आंखों में ऐसी वो एक चमक सी पड़ती है कि आंखें बंद हो जाती हैं, यानी बिनाई जो है वो खत्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर ज्यादा होता उसका उसका शोला, उसकी चमक, तो फिर वो खत्म भी हो सकती थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकादुल बर्को, करीब था कि वो बिजली उचक लेती उनकी बिनाई को, अबसारा हुम, यहाँ पे आंख नहीं का, यहाँ पे बसारत का है, यानी जो उसकी देखने की ताकत है। कुल्लमा, कुल्लमा, ये दो अल्फाज का मजमूआ कुल्लमा, और इसका मतलब होता है जब कभी भी, जब भी, जब कभी भी, ये जैसे मैंने कहा वोकैबुलरी आप याद रख लें कि ये जहां भी आएगा लफ्ज इसका मतलब होगा जब कभी भी। अदा, उसने रोशन कर दिया, क्योंकि ये बर्क की तरफ इशारा है और बर्क मुजक्कर है, इसलिए यहाँ पे अदा आ आया है, अदा अत नहीं आया। तो अदा आ, उसने रोशन कर दिया, किसने, उस बर्क ने। ला हुम, ला इसका मतलब होता है के लिए, हुम उनके लिए, जैसे इसमें था अब सारा हुम उनकी बसारत, और ये हुम जो है वो हु की जमा है, अब सारा हुम उनकी बिनाई, जब कभी भी रोशन कर दिया, अदा ला हुम उनके लिए। अब देखें यहाँ पे ला जो है वो उसका मतलब है के लिए, अब आगे देखें इसका एक और मतलब भी है। तो जब भी बिजली ने रोशन कर दिया उनको, उनके गिर्द रोशनी फैला दी, मशो, ये मशा से निकला, इसका मतलब होता है चलना, यानी पाँव से चलना जो है वो मशा कहलाता है। तो वो चलने लगते हैं, फी है उसमें, यानी उस रोशनी में, जब वो बिजली उसको रोशन कर देती है तो वो चलने लगते हैं,
वह इजा, और जब, अब यहाँ पे देखें इजा है, अरबी जुबान में जब के लिए दो अल्फाज है इजा और इज। इजा ऐसे जब के लिए इस्तेमाल होता है जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो, हाल या मुस्तकबिल से, और अगर कोई माजी का किस्सा बयान करना हो तो वो होता है इज। तो ये फर्क आप जहन में रखते हैं, याद रख लें कि इजा और इज में फर्क क्या है। इज होता है माजी के लिए, वैस काला रबो का लिल मलाएगा, तो जब कहा तेरे रब ने, वहां पे इज है, इजा नहीं है। और इजा का मतलब है हाल और मुस्तकबिल के लिए, मतलब दोनों का जब है, लेकिन इज माजी के लिए है और इजा जो है वो हाल और मुस्तकबिल के लिए। तो जब वो रोशन हो गए उनके इर्द गिर्द सारी चीज, तो वो उसमें चलने लग गए, मशौ फी है, वो उसमें चलने लग गए। वह इजा, और जब अजलमा, उसने अंधेरा कर दिया, अदा उसने रोशन कर दिया, अजलमा उसने अंधेरा कर दिया, अलैहिम उनके ऊपर, तो ये अला और हिम की जमा है अलैहिम। और यहाँ पे हिम है, हुम नहीं है, अब सारा हुम था यहाँ पे लाहुम था, यहाँ पे अला और हिम है, इसलिए कि अला जो है वो हरफ जर है, इसलिए उसने हे के नीचे रे डाल दी, अलैहिम हो गया। और जब उसने अंधेरा कर दिया अलैहिम उनके ऊपर, कामू तो वो खड़े हो गए, यहाँ क्या था अजालहुम मशौ, जब रोशन हो गया तो वो चलने लग गए, और जब अंधेरा हो गया तो कामू वो खड़े हो गए। वलौ, और अगर, अब यहाँ भी ये भी बता दूं कि अरबी में अगर के लिए भी दो अल्फाज हैं, लौ और इन। लौ जो है वो है माजी के लिए, और इन वो है हाल और मुस्तकबिल के लिए, दोनों का मतलब अगर अगर है। यानी जैसे यहाँ पे इजा और इज का मतलब जब है, लेकिन इजा हाल मुस्तकबिल के लिए और इज माजी के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो है वह लॉ, तो लॉ का मतलब भी अगर है, और इन का मतलब अलिफ ज़े नून इन, उसका मतलब भी अगर है। लॉ माजी के लिए और इन जो है वो मुस्तकबिल के लिए, आगे आएगा वो फिर हम आपको बताएंगे इसमें। तो वह लॉ, और अगर शाह चाहता, अब ये शाह माजी का है, चाहता अल्लाह हो अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, लज़हबा, जहाबा का मतलब होता है जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो लज़हबा, देखें यहाँ पे ही ऊपर लाम है ला, इसका मतलब है के लिए, यहाँ पे भी लाम जबर है ला, इसका मतलब है जरूर। तो ये फर्क है, हर्फ वही है और उसके ऊपर हरकत भी वही है, इसके ऊपर लाम है जबर है, यहाँ पे लाम है जबर है, लेकिन यहाँ पे मतलब है के लिए, और यहाँ पे ताकीद के लिए, इसको कहते हैं लाम ताकीद, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए, कि ये नहीं कि जी हो गया हो गया, ना हुआ ना हुआ, नहीं, लज़हबा जरूर वो चला जाता, कौन, अल्लाह ताला, यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर वो चला जाता, यानी वो ले जाता, बेसम एहिम, साथ समात उनकी के, यानी यहाँ पे भी आंखों की, सॉरी कानों के सुनने की ताकत का जिक्र है, जैसे यहाँ पे अबसार है वो आंखों के देखने की ताकत को बसारत कहते हैं, और कान के सुनने की ताकत को समा कहते हैं, समात कहते हैं। तो जहाबा बे का मतलब होता है किसी चीज को ले जाना वहां से, खाली जहाबा होगा तो उसका मतलब होता होगा कि एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह चला गया, लेकिन जहाबा के आगे अगर बे का हर्फ आएगा जिसको सिला कहते हैं, तो उसका मतलब होगा कि किसी चीज को ले जाना वहां से, खुद जाना खाली जहाबा, लेकिन किसी चीज को ले जाना उसके लिए बे का सिला इस्तेमाल होगा। तो लज़हबा जरूर ले जाता या चला जाता, बे साथ सम ए हिम उनकी समात को, तो बे साथ सम ए समात हिम उनकी, वा अब सारे हिम और बसारत उनकी के या बिनाई उनकी के, इन अल्लाह यकीनन, इन्ना का मतलब होता है यकीनन, अल्लाह यकीनन अल्लाह जो है अल्लाह ऊपर, कुल्ले हर चीज के, शय इन जिसे वो चाहता है, कदीर कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे उर्दू में हम जो शय है उसका मतलब होता है चीज, यानी थिंग उसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन असल में अरबी जबान में इसका मतलब है जिसे वो चाहता है, अला कुल्ले शय जिसे वो चाहता है, यानी अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है, लेकिन हर उस चीज पर कादर है जिसे वो चाहता है, फजूल सी बातें वो ना चाहता है ना वो करता है, उसकी हिकमत के खिलाफ है,
इसलिए इस जो जुमला है, ये जो आयत का टुकड़ा है, उसका मैं हर उस चीज पे जिसे वो चाहता है, शय इन, जैसे यहाँ पे है ना शाह, बोलाओ शाह, और अगर चाहता अल्लाह, तो अब जिसको वो चाहता है उस पर वो कुदरत रखता है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन्नास, अब यहाँ पे या अन्नास नहीं है, या अय्युहा अन्नास है, तो अय्युहा क्यों का, इसलिए कि जब जिसको पुकारा जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जिसे पुकारा जाए उसके शुरू में अलिफ लाम हो, तो फिर या की बजाय या अय्युहा कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाया या अय्युह रसूल, या अय्युह नबी, या अय्युह मुजम्मिल, तो अल मुजम्मिल है, अन नबी है, अर रसूल है, इसलिए अय्युहा का लफ्ज इस्तेमाल किया। जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप पर सलामती हो ए नबी, तो वहां पे भी अय्युहा का लफ्ज है। तो या अगर पुकारा जाए और जिसको पुकारा जाए उसके नाम के साथ अगर अलिफ लाम हो, तो फिर अय्युहा का लफ्ज ऐड कर दिया जाता है, इजाफा कर दिया जाता है। तो या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू, ये फेल अमर है, उनको हुक्म दिया जा रहा है, नसीहत की जा रही है कि तुम सब इबादत करो, उबुदू। या अब यहाँ पे जो अलिफ है वो साकिन है, इसलिए कि वो सीन जो है उसके ऊपर पेश है आखिरी हरफ पे, तो ये साथ मिल गया, तो अब ये बन गया या अय्युहन्नास उबुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, रब अपने की, रब्बा रब की, कौन सा रब है, कुम तुम्हारा, अल्लजी जिसने, खलाका कुम तुमको तखलीक किया, तखलीक किया तुम्हें, खलाका उसने तखलीक किया, कुम तुम सबको, वल्लजीना, अब ये देखें अल्लजी है वाहिद और वल्लजीना जमा है, तो अल्लजीना जमा है अल्लजी की, वल्लजीना और उन लोगों को, मिन में से, कबले कुम पहले तुम्हारे, पहले तुम सबके, यानी तो तुमसे पहले के लोग हैं उनको भी उसी ने पैदा किया है। तो जो मिन है इसका एक मतलब होता है किसी समत की तरफ इशारा करना, यानी मशरक से मगरब की तरफ, या नुक्ता अलफ से नुक्ता बे की तरफ, अगर एक शख्स या कोई चीज सफर करे तो उसको समत को बताने के लिए भी मिन होता है। लेकिन एक मिन का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं आउट ऑफ, में से, यानी एक बहुत सा ढेर पड़ा हो और उस में से कुछ दे दिया जाए, कहते हैं इसमें से एक मुट्ठी चावलों की या एक मुट्ठी गंदम की दे दी जाए, तो उसको भी ये कहेंगे मिन हाजा, इसमें से, यानी बहुत बड़ी चीज है उसमें से एक मुट्ठी या एक प्याला निकाल के दे दिया जाए, तो कहते हैं इसमें से। तो मिन के दो मतलब है, एक तो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक है में से, यानी एक बड़े ढेर में से उसमें से निकाल के देना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगो इबादत करो रब अपने की, और वो कौन सा रब है, जिसने, अल्लजी जिसने, खलाकाकुम तुम सबको पैदा किया है, यानी अब ये मुखातिब है ना लोग वहां पे, खलाकाकुम जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिसके साथ बात की जा रही है, इसलिए कुम का लफ्ज इस्तेमाल किया। वल्लजीना और उन लोगों को, मिन कबलकुम तुमसे पहले जो थे, ला अल्लाकुम ताके तुम सब, तत्तकून तकवा अख्तियार करो, तत्तकून तुम सब तकवा अख्तियार करो। अब ये मुखातिब के साथ बात हो रही है क्योंकि उनको पुकारा जा रहा है ना, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, तो जहां भी का और कुम आएगा आखिर में तो उसका मतलब होगा कि किसी से सामने बात की जा रही है, क्योंकि तीन चीजें होती है ना, एक तो मुतकल्लम है यानी जो बात कर रहा है, एक मुखातिब है जिसके साथ बात की जा रही है, और एक होता है गायब जिसके मुतल्लिक बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला बात कर रहा है, वो मुतकल्लम है और लोगों से बात कर रहा है, उनको मुखातिब कर रहा है, वो गोया वो उनके उसके सामने है, और कह रहा है कि ऐ लोगो इबादत करो रब अपने की, जिसने, अल्लाजी जिसने, खलाकाकुम पैदा किया उसने तुमको, वा और अल्लाजीना उन तमाम लोगों को, मिन कबलेकुम जो थे पहले तुमसे, ला अल्लाकुम ताके शायद तुम सब, तत्तकून तकवा अख्तियार करो, और अल्लाह वो है, अल्लाजी यानी एक तो उसने तखलीक किया, एक वो है अल्लाजी जा लकुम बनाया, जा का मतलब होता है बनाया या किसी जगह पे रखना, जा लकुम अर्दा उसने तुम्हारे लिए बनाया जमीन को, फिराशन
फर्श वस्समा और आसमान को, तो आसमान जो है वो है असमा, यहाँ पे है अल अर्द, वहां पे है असमा, तो जमीन को क्या बनाया, फर्श फिराशन। अरबी जबान में जो कालीन होता है उसको भी फर्श कहते हैं, या कोई चादर बिछा दी जाए तो उसको भी फर्श कहते हैं, हम तो वैसे जो फ्लोर होता है उसको फर्श कहते हैं, लेकिन अरबी जबान में जमीन के ऊपर अगर कुछ बिछाया जाए उसको फर्श कहते हैं। वस्समा और आसमान को बिना बुनियाद बनाया, क्योंकि छत भी एक किस्म की बुनियाद फराहम करती है जो हिफाजत करती है, इसलिए उसको बिना कहा गया। वह अनजला और उतारा उसने मिनस समाए आसमान से, अब समा जो है वो बादलों को भी कहते हैं और इसका असल मतलब है बुलंदी, समा का मतलब आसमान जो हमारे यहाँ स्काई है वो नहीं है, उसका मतलब है जो भी बुलंद होती ना चीज उसको समा कहते हैं, और चूंकि बारिश बादलों से आती है इसलिए उसको भी समा कहते हैं, तो मिनस समाए आसमान से और नाजिल किया आसमान से मान पानी को। फा अखरजा, फा होता है पस, दे फोर, तो अब ये जहां भी फा आता है ना वहां पे पिछले काम का नतीजा जाहिर किया जाता है, तो अब ये जो अखरज आए यानी निकाला उसका नतीजा, वो किस बात का नतीजा था, पानी का नाजिल होना, जो आसमान से जो बादलों से पानी आया है और उसके नतीजे में क्या हुआ, फा अखरजा पस निकाला, बे ही उसके साथ, किसके साथ, ये जो पानी नाजिल हुआ उसके साथ, तो ही जो है वो प्रोनाउन है, और ये जैसे मैंने कहा था ऊपर हुम जो है वो हु या ही की जमा है, तो बे ही उसके साथ, किसके साथ, इस पानी के साथ, वो पानी भी मुज़क्कर है। फ़अख़रजा बिही पस उसने उतारा उसके साथ मिनस समारातें में से फलों के, यानी आउट ऑफ द फ्रूट्स, ये जो समारात है वो उसके साथ उसने निकाले हैं, और वो क्या है, रिस्कन, रिस्क है लकुम तुम्हारे लिए, अब यहाँ पे फिर ला जो है उसका मतलब है फॉर, तो तुम्हारे लिए। फला पस ना तज अलू तुम बनाओ, लिल्लाहे अल्लाह के लिए, ले अल्लाह है, अब देख लें आप जो लाम है उसके दो मानी है, एक मतलब है के लिए, यहाँ पे भी है के लिए, लिल्लाहे लकुम और लिल्लाहे, तो जबर हो या जेर हो इसका मतलब होगा के लिए, तो लकुम तुम्हारे लिए, पस नहीं पस ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए, अंदादन, अंदादन कहते हैं जो खुदा के मसील हो, यानी उसको कहते हैं जो जो काम खुदा करता है ना वो काम ये भी करता है, तो वो निद उसका वाहिद है जमा है अंदादन, यानी ऐसे लोगों को खुदा की तरह की ताकतें दे देना कि अगर खुदा ये काम करता है तो ये भी ये काम करते हैं, तो ऐसे बुतों को, ऐसे झूठे खुदाओं को अंदादन कहा जाता है जिसकी जिसका वाहिद निद है। वह अंतुम और तुम जो हो, तअलमून तुम जानते हो इस बात को, यानी तुम्हें पता है कि अल्लाह ही है लेकिन तुम जानबूझकर इस तरह के काम करते हो। फलिल्लाह अंदादन, अल्लाह के लिए अंदाज ना बनाया करो। वह अंतुम तअलमून और तुम सब जानते हो कि जो आसमान से ये जो पानी है वो अल्लाह ही नाजल करता है, अल्लाह ताला के सिवा और कोई नाजल नहीं कर सकता। तो हमने आज जो तीन आयतें पढ़ी हैं उसमें हमने एक तो ये देखा कि इजा और इसका क्या फर्क है, इज माजी के लिए इस्तेमाल होता है उसका मतलब भी जब है, इजा हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है उसका मतलब भी जब है, फिर हमने पढ़ा कि लॉ जो है उसका मतलब है अगर, लेकिन ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, वह लॉ और अगर शाह, और ये भी हमने सीखा कि जो शय है उसका मतलब है जिसे वो चाहता है, उस चीज को जिसे वो चाहता है, हर चीज में उर्दू में हम शय हर चीज को कहते हैं, ये क्या शय है, लेकिन अरबी जुबान में शय उसको कहते हैं जिसको चाहा जाए, जिसको डिजायर किया जाए, और ये उसका माजी है, वलाओ शाह अल्लाह, तो शाह माजी का फेल है, इसका मतलब है और अगर चाहता अल्लाह। और फिर हमने ये सीखा कि जो अगर जिसको पुकारा जाए उसके नाम के साथ अलिफ लाम हो तो फिर उसको पुकारने के लिए या नहीं कहेंगे, यहाँ पे या अन्नास नहीं है, या अय्युहा अन्नास है, क्योंकि नास के साथ अलिफ लाम है, जैसे मैंने बताया या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, तो अय्युहा लगा देते जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो यहाँ पे खुदा ने बताया कि उस रब की अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और वो लोग जो तुमसे पहले थे उनको भी उसी ने पैदा किया, तख्लीक किया, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। और उसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और आसमान को बुनियाद बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, पस उस पानी के साथ फअखरज बिही, पस उसने निकाला उसके साथ यानी उस पानी के साथ फलों में से तुम्हारे लिए रिज्क। बस ना बनाओ अल्लाह ताला के साथ ऐसे जिनको तुम खुदा का मसील समझते हो और तुम अच्छी तरह जानते हो। तो ये हमारी आज के 3 असबाक हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।